वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग दोबारा आ चुके हैं अपने नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में जो है वो हम लोग रोमन रेंग्स की रिंग हिस्ट्री को कवर करेंगे। मीन जो रोमन रेंग्स ट्राइबल चीफ था उसकी हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप लोगों को हर मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आए तो, वरना कोई मसला नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे जो है वो डैनियल ब्रायन के साथ मैच था और रोमन रेंग्स जो है वो जीत गए थे। उसके बाद रोमन रेंग्स का मैच दोबारा WWE फास्ट लेन में दोबारा हुआ था 2021 में, डैनियल ब्रायन वर्सेस रोमन रेंग्स। यहाँ पे जो है वो मैच शील्ड ने इंटरप्ट कर दिया था, मींस एज ने इंटरप्ट कर दिया था मैच को, क्योंकि इसने कहा था कि नेक्स्ट जो चैलेंजर है वो मैं हूँ रोमन रेंग्स से मैच करने के लिए। इसी के बाद जो है वो एज आके एज ने सबसे पहले रोमन रेंग्स को चेयर मारी थी, उसके बाद डैनियल ब्रायन को चेयर मारी थी और ये बोल कर गया था दिस इज़ माई रिंग देन दिस इज़ माई अरीना। तो यहाँ पर एज को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और एज जो है वो इन दोनों को मार के चला जाता है यहाँ से। और देख सकते हैं आप लोग एज को कि एज बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि जो है वो एज को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मैं बन सकता था चैम्पियन बट यहाँ पर डैनियल ब्रायन को मैच क्यों है। तो यहाँ पे डैनियल ब्रायन को मार मार के बहुत बुरा हाल कर देता है रोमन रेंग्स, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डैनियल ब्रायन कुछ नहीं कर पाता और एज जो है वो इन दोनों को मार के चले जाता है। इसी दौरान में जो है वो रोमन रेंग्स अपने आप को देखता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है और डैनियल ब्रायन यहाँ पे लेटा हुआ है, क्योंकि रोमन रेंग्स भी काफ़ी मूव नहीं कर पा रहा था। रोमन रेंग्स को जो है वो दाव लगा होता है, उसको गीटी में जो है वो नया रेफरी बुलाता है। रेफरी बुलाते के साथ ही रोमन रेंग्स जो है वो पिन करने के लिए आता है और रोमन रेंग्स 1-2-3 करके यहाँ पे जीत जाता है फास्ट लेन के अंदर। और इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रोमन रेंग्स जो है वो काफ़ी ईजी तरीके से यहाँ पे जीत जाता है, बट यहाँ पे जो है वो उसने काफ़ी ज़्यादा मारा होता है और जे उसो जिमी उसो ने भी यहाँ पे हेल्प की होती है रोमन रेंग्स की। इसी के साथ साथ जो है वो रोमन रेंग्स अपना टाइटल रिटेन कर लेता है। और उसी के बाद जो है वो रोमन रेंग्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ होता है कि रोमन रेंग्स को बहुत ज़्यादा मारा होता है यहाँ पे लोगों ने। और उसी के बाद जो है वो रोमन रेंग्स, लेकिन स्टिल रोमन रेंग्स अपना टाइटल जीत जाता है। उसी के बाद जो इंटरप्ट किया था एज ने, एज के साथ जो है वो रोमन रेंग्स और डैनियल ब्रायन और रोमन रेंग्स का मैच था और रेसलमेनिया के अंदर। और यहाँ पर जो है वो एज ने पहले रोमन रेंग्स को स्पेयर मारा था बट स्पेयर उसका लगा नहीं था और यहाँ पर जो है वो रोमन रेंग्स ने दोनों को मार के इतनी बुरी हालत कर दी थी कि दोनों का जो है वो एक साथ एक दूसरे के ऊपर ड्रैग करके यहाँ पे पिन किया था रोमन रेंग्स ने। ये बहुत जो है वो खतरनाक बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक दोनों रेसलर को एक साथ पिन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दोनों में से किसी एक ने अगर पिन किया तो यहाँ पे रोमन रेंग्स हार जाते। बट यहाँ पे जो है वो रेसलमेनिया 37 में संडे वाले दिन ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था रोमन रेंग्स एज वर्सेज डैनियल ब्रायन। तो यहाँ पे जो है वो रोमन रेंग्स अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे डैनियल ब्रायन के साथ दोबारा मैच होता है रोमन रेंग्स का। इसी के अंदर जो है वो जे उसो जिमी उसो ने काफ़ी ज़्यादा मारा होता है डैनियल ब्रायन को, बट यहाँ पे जो है वो रोमन रेंग्स चीटिंग करता है अपने मैच के अंदर। भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रोमन रेंग्स को गीटी लॉक्ड इन करने वाला है, बट यहाँ पे जो है वो डैनियल ब्रायन नहीं करने देता, क्योंकि डैनियल ब्रायन को पता है अगर एक दफ़ा लॉक हो गया और तो मैं गया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोशिश करता है। बट यहाँ पे रोमन रेंग्स स्विच कर देता है अपने लेफ्ट आर्म के ऊपर गीटी मार देता है, जो उसका मेन आर्म है उसके ऊपर गीटी मार के लॉक इन कर देता है बिल्कुल। और इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं डैनियल ब्रायन बिल्कुल रिंग के बीच के अंदर है, यहाँ पे कोई कहीं भी नहीं जा सकता और ना वो कुछ कर सकता है। वो बेचारा मजबूर होता है कि मैं क्या करूँ, मैं टैप ही कर देता हूँ, बट यहाँ पर टैप करने की भी उसको मोहलत नहीं मिलती। वो जो है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है डैनियल ब्रायन। फिर ये चीज़ देख के बड़ी खुशी होती है रेफरी को कि रेफरी जो है वो अब मैच ख़त्म होने वाला है और रोमन रेंग्स यहाँ पर जीत चुका है। और इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डैनियल ब्रायन का हाथ जो है वो बिल्कुल उठा के नीचे रखता है तो डैनियल ब्रायन जो है वो बेहोश हो चुका होता है। तो इसी के साथ साथ जो है वो रोमन रेंग्स अपना टाइटल रिटेन कर लेता है। और रोमन रेंग्स और पॉल हेमन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि रोमन रेंग्स जो है वो सबमिशन से जीतता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि सबमिशन से जीतना बहुत मुश्किल है। हर कोई सबमिशन के अंदर टैप नहीं करता, हर कोई सर्वाइव कर जाता है क्योंकि वो रोप पकड़ लेते हैं जाकर। और इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोमन रेंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के बाद जो है वो सेकंड मैच होता है यहाँ पे एलिमिनेशन चैम्बर में, यहाँ पे एलिमिनिया बैकलैश 2021 रोमन रेंग्स वर्सेस सिज़ारो। यहाँ पे रोमन रेंग्स उसको डीट ही मारता है, बट यहाँ पे रोमन रेंग्स को उठा के पावर बम मारता है और यहाँ पे जो है वो रोमन रेंग्स का हाथ उसके गले से निकल जाता है और रोमन रेंग्स जो है वो उसको टैप करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे सिज़ारो दोबारा गीटी लॉक्ड इन हो जाता है। यहाँ पे सिज़ारो जो है वो बहुत मेहनत करता है कि मैं निकल जाऊँ, बट यहाँ पे रोमन रेंग्स को निकलने नहीं देता। रोमन रेंग्स ने बहुत खतरनाक तरीके से गीटी लॉक्ड इन किया होता है। तो बस गाइस, आज तो फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।